So if you talk about the transducers will work opposite to any other energy conversion devices which we have mentioned. It means if you talk about the electric मोटर और इलेक्ट्रिक मिक्सर, यू कैन से इलेक्ट्रिक मिक्सर में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट? सो और वी कैन से रोटेशनल एनर्जी. बट नाउ वी रिक्वायर्ड सम मैकेनिज्म्स बाय विच वी विल गेट अ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल एनर्जी, यू कैन से. या फिर हम बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी बैक टू द इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसा होना चाहिए. अभी एक और एग्जांपल है, आई विल शो यू दैट आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज माय माइक्रोफोन. तो ये माइक्रोफोन मैं यूज कर रहा हूँ. तो ये माइक्रोफोन का पर्पस क्या है, काम करने का पर्पस क्या है, दैट माइक्रोफोन विल रिसीव द ऑडियो सिग्नल. ओके, इट विल रिसीव द ऑडियो सिग्नल एंड इट विल कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड एट यूर प्लेस द मोबाइल फोन विल रिसीव दैट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और डेटा सिग्नल, यू कैन से, एंड कन्वर्ट इट बैक इंटू द साउंड सो दैट यू कैन हियर माई ऑडियो. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. जैसे मोटर है जो मिक्सर में यूज होती है या जहां पर भी यूज होती है, वो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है. और जो जनरेटर है वो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. बट नाउ दैट टाइम दिस पर्टिकुलर एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म इज यूज फॉर पावर रिक्वायरमेंट. ओके, पावर रिक्वायरमेंट मतलब क्या, पावर से रिलेटेड जो जो कन्वर्जन है वो पावर चाहिए इसके लिए हो रहा है. ओके, मिक्सर हमें चाहिए ताकि हम उसको ग्राइंडिंग कर सके हमारे मटेरियल्स का. बट यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ऐसे डिवाइसेस है जो मेजरमेंट पर्पस के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पस के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तैयार करके देते हैं. और वो ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है जो आपके फिजिकल क्वांटिटी के प्रपोर्शन में रहेंगे. ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन. ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसड्यूसर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांजेक्शन एंड द कन्वर्जन इज डन बाय सेंसिंग एंड ट्रांसड्यूसिंग द फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड एक्सेट्रा. इट मीन्स इट विल डिटेक्ट. तो जो भी सेंसर्स आप देखते हैं वो सेंसर्स जो है, these sensors are basically a transducer which will convert that quantity into understandable electrical quantity. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now if we talk about the block diagram of a transducer, जो हमने अभी discuss किया थोड़ी देर पहले, कि कोई इंसान बात कर रहा है तो उसे transducer की वजह से electronic signal में convert किया जाता है. तो जो microphone है, that microphone will be acting as a transducer. Okay, and then electronic processes होने के बाद, उसका transmission होने के बाद हमें वो receive होता है, and then also we have electronic signal which is converted back into the sound energy, sound signal. और यहाँ पर ये transducer जो है उसे हम कहेंगे speaker. Okay, so let's see what exactly it is. The transducer contains two parts that are closely related to each other, that is sensing element and transduction element. The sensing element is called as a sensor. It is a device producing the measurable response to change in the physical condition. So, physical condition में जो भी change होता है, say for example displacement, apart from that pressure, temperature and any other physical quantity you take, तो उसमें आपको उसका conversion जो करना है, उसके लिए sensor जो है, that will act as a sensing element and convert it into the suitable electrical form. Okay, I hope it is visible to you all, right? So moving ahead with this, this is very simple block diagram. So you need to draw this diagram. I will just zoom in if you want. Is it visible now properly? Yes, sir. So draw this diagram, type done when done in the chat box. I hope all direct second year students also have joined. Okay, section 2 is started. I hope you are joining properly. Sir, you are not audible. Okay, so now you have drawn the diagram of block diagram of transducer. Now we will see what are the different parts which are involved in it and how these
बेसिकली योर ट्रांसड्यूसर इज वर्किंग। सो अगर हम देखेंगे तो आप आज आज हम बोल सकते हैं कि द टुडेज एज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पहले था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके पहले था ऑटोमेशन, उसके पहले था न्यूमेटिक बेस्ड ऑटोमेशन। तो ये सारे चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इंसान है, हम इंसान है सब लोग, जो इंसान कर सकता है वो मशीन को करने को हम सिखाना चाहते हैं, मशीन से हम वो करवाना चाहते हैं। और इसके लिए हमें उस सिस्टम को, ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, इंसानों को वो चीज पता होती है। से फॉर एग्जांपल यू आर लाइटिंग अ गैस स्टोव, गैस स्टोव है आपके घर में, उसको आपने जलाया, उसके ऊपर कोई पानी या फिर कोई कुकर बोलो या कुछ तो रखा गर्म होने के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम यू सी दैट, और उसे आप अगर टच करने गए, आई थिंक माय माइक इज टर्न ऑन ओनली, एम आई ऑडिबल टू यू, हेलो, यस सर, ओके, सो देन यू कैन फील दैट कि देयर इज अ हॉट मटेरियल ऑन द गैस स्टोव, और उसको आप क्या करते हो, एक तो देखते हो उससे आपको फ्लेम चालू है ये दिखता है, सेकेंड यू ऑल्सो मे बी लिसन दैट बॉइलिंग साउंड ऑफ वॉटर इफ द वॉटर इज बॉइलिंग, या फिर कुछ ऐसे आवाज आता है आपको, यू हैव यू ऑब्जर्व दैट इन द किचन, किचन में आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी, तो आपको उसका आवाज भी आएगा कि हाँ कुछ तो गर्म हो रहा है करके, ओके, सो दैट इज द थिंग। सेकेंड थिंग ऑल्सो यू विल इफ यू टच बाय मिस्टेकली टू इट, देन आपको उसका टेम्परेचर का भी एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें क्या करती है एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको डेटा प्रोवाइड करती है, एंड देन योर ब्रेन इज बेसिकली वर्किंग फॉर टेकिंग प्रिकॉशन फॉर दैट, और जो भी उसके बाद आपको करना है वो करने के लिए आपका ब्रेन जो है वो डिसीजन लेता है। बट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में क्या होता है ना, वी रिक्वायर्ड ये सारी चीजें करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग इक्विपमेंट हमें चाहिए, और वो उसमें से जो आपका ट्रांसड्यूसर है वो उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट टू इम्पोर्टेंट पार्ट, एक कौन सा है, सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा है एलिमेंट ट्रांजेक्शन एलिमेंट जो इसे आगे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में प्रॉपरली ट्यून करके आगे भेजता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, ट्रांसड्यूसर हैज मेनी पार्ट्स लाइक एम्पलीफायर, सिग्नल प्रोसेसिंग, ट्रांसड्यूसर में हैज मेनी पार्ट्स लाइक एम्पलीफायर, सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, पावर सप्लाईज, कैलिब्रेशन एंड रेफरेंस सोर्स। तो ये सारी चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर्स में इसका सारे का इस्तेमाल होता है। और एक एक करके देखते हैं एम्पलीफायर्स का क्या इस्तेमाल होता है। एम्पलीफायर्स आर यूज्ड फॉर यू नो लाइक फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन, देन नेक्स्ट इज योर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, देन वी हैव सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, लाइक यू हैव टू प्रोसेस दैट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग, जैसे कि अभी आप आपके नोटबुक में लिख रहे हो, उसका फोटो निकाल रहे हो, उसका पीडीएफ बना रहे हो, देन अपलोड कर रहे हो, बराबर। तो ये क्या हो गया, ये धीरे धीरे सब प्रोसेसेस है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें इम्पोर्टेंट आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, एम आई ऑडिबल टू यू, बीच में बंद क्यों हो रहा है, ओके, यस सर। सो नाउ सेंसिंग एंड डिटेक्शन एलिमेंट के बाद वी हैव द लाइक वेयर द ट्रांसड्यूसर इज रिस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल सेंस, एंड फिजिकल सेंस को डिटेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो आपको एक फिजिकल फिनोमेना को कन्वर्ट करके मिलता है। बट अभी उसे हमें दूर तक, हमारे प्रोसेसर तक पहुंचाना है उसे, सो वी रिक्वायर द ट्रांजेक्शन एलिमेंट विच कन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, तो ये प्रोसेस करने को हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ओके, नाउ गो मूविंग अहेड विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक अच्छा ट्रांसड्यूसर के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज वन इज द रगेडनेस, लाइक जब भी आपका ट्रांसड्यूसर कई एनवायरमेंट में यूज हो रहा है, कोई मशीन में यूज हो रहा है, तो वहां पर आपको ये पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर अच्छे से काम करना चाहिए। वहां पे अगर ज्यादा टेम्परेचर है या फिर वहां पे कोई लिक्विड है, ओके, तो ये सारी चीजें आपको
क्या करना है, वहां पे वो मशीन जो है आपका ट्रांसड्यूसर जो है वो वहां पे टिकना चाहिए, वहां पे वो खराब नहीं होना चाहिए। लिनियरिटी, जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है वो सेम इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग आपको, लिनियरिटी का मतलब ये है कि आपको अगर इनपुट में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज होता है। ओके, सेकेंड है रिपीटेबिलिटी, मतलब अगेन इफ योर ट्रांसड्यूसर इज क्रिएटिंग सिग्नल, दैट सिग्नल कैन बी रिपीटेडली क्रिएटेड फॉर द सेम इवेंट एंड देन दैट सेम इवेंट विल बी व्हाट वी कैन से, गिव मी अ मोमेंट, देन इज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज लाइक, सो नाउ एक्यूरेसी इज रिलेटेड विद द आपका जो डेटा है वो कितने एक्यूरेटली वो कन्वर्ट कर पाता है आपका ट्रांसड्यूसर, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लो।